हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितिका बारी एंड डूइंग टीचर ट्रेनिंग एट ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट लोसल सिक्कर। राइट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट 100 डेली यूज सेंटेंसेस ऑन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आपको हिंदी में सेंटेंस बताएंगे, फिर उसकी इंग्लिश कैसे होगी वो बताएंगे। तो इधर देखिए, वो बहुत बातूनी है, शी इज़ वेरी टॉकटिव। तुम मेरे हम नाम हो, योर नेम एंड माई नेम सेम, या यू आर माई नेम सेक। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, या आप बोल सकते हैं आई कीप माई वर्ड्स। मैं बहुत खर्च करता हूँ, आई एम ए स्पेंड थ्रिफ्ट। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज। उसकी एक आँख खराब है, ही या शी इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। ये एक अच्छा बहाना है, दिस इज़ ए गुड एक्सक्यूज़। वो सारे दिन खाली था, शी वॉज आइडल ऑल द टाइम। मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है, माई यंगर ब्रदर हैज़ हिज ओन वेज। मैं अपने मन की करता हूँ, आई हैव माई ओवन वेज। मेरे हाथ में दर्द है, आई हैव पेन इन माई हैंड, या बोल सकते हो माई हैंड इज़ पेनिंग। कैसे आना हुआ, वॉट ब्रिंग्स यू हियर। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, डज इट मेक एनी डिफरेंस। तुम्हें दिल्ली कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली। मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई, शी कुडंट होल्ड वीपिंग। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई, शी कुडंट होल्ड लाफिंग। वो अपने आप को उससे बात करने से नहीं रोक सकी, शी कुडंट होल्ड हर सेल्फ टॉकिंग टू हिम। मेरे पास कार है, I have a car। उसके पास कंप्यूटर है, He has a computer। He has got a computer। छोड़ ना, या बात ख़त्म करो या भूल जाओ, इसका होगा let it be या forget it या leave it। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, She is unwell या He is unwell। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, I met with an accident yesterday या I had an accident yesterday। ये रोड कहाँ जाती है, where does this road go to या where is this road going। तुम्हें मुझे एक रुपये ज़्यादा दे दिया, you have given me a rupee extra। यह कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, this cloth is of inferior quality। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, द स्काई इज़ ओवरकास्ट। तुम अपनी उम्र से कम लगते हो, यू लुक यंगर दैन योवर एज। वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है, ही लुक ओल्डर दैन हिज एज। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग एपीटाइट। मुझे बुखार सा लग रहा है, आई एम फीलिंग फीवरिश। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी एशमर्ड ऑफ योवर सेल्फ। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, हाउ इज़ योवर स्टडी गोइंग ऑन। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वॉट इज़ गोइंग ऑन इज माइंड। वहाँ क्या चल रहा है, वॉट इज़ गोइंग ऑन देयर। क्या वहाँ कुछ चल रहा है, Is something going on there? वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गई है, She has got on to my heart and soul। पैसा उसका दिमाग पर हावी हो गया है, Money has got on to his mind। यह आम रास्ता नहीं है, This is not a thoroughfare। यह चर्चा में है, It is in talk। वो एक कुख्याति व्यक्ति है, She is a notorious person। रोड रिपेयरिंग की वजह से बंद हो गई है,
द रोड हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर रिपेयर. मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था. द मोबाइल वॉज विथ हिम फॉर रिपेयर्स. यह एक अफवाह है. दिस इज़ ए रूमियोर. दोषी कौन है? हु इज़ टू ब्लेम. तुम जान लगाकर चिल्ला रहे थे. यू वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस. ये पेन धड़ल्ले से बिक रहा है. दिस पेन इज सेलिंग लाइक एनीथिंग. क्या तुम सही हो? आर यू इन द राइट. क्या तुम बाई तरफ हो? आर यू ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट. क्या तुम गलत हो? आर यू इन द रॉन्ग. क्या तुम दाई तरफ हो? आर यू ऑन द राइट. क्या हम होश में हैं? आर यू इन योर सेंसेस. क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू स्केर्ड ऑफ मी. मुझे सिर दर्द हो रहा था. आई हैड ए हेडक. मुझे पेट दर्द हो रहा था. आई हैड ए स्टोमक एक. लैंप में तेल नहीं है. द लैंप हैज़ नो ऑयल. मेरा पैर दर्द हो रहा था. आई हैड ए पेन इन माई लेग. माई लेग वॉज पेनिंग. अंधेरा हो रहा है. इट इज़ गेटिंग डार्क. एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं है. देयर इज सेइंग दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. इस परेशानी से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? इज़ देयर ए वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. यह रही आपकी घड़ी. हियर इज़ योर वॉच. ये लीजिए पैसे. हियर इज़ द मनी. ये लीजिए पेन. हियर इज़ द पेन. लो टीचर आ गए. हियर कम्स द टीचर. लो रोहित आ गया. हियर कम्स रोहित. लीजिए आप आ गए. हियर कम्स यू. ये लो मैं आ गया. हियर कम्स आई. तुम कब से यहाँ हो? सिंस वैन हैव यू बीन हियर. यह मेरे काबू के बाहर है. दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल. घर जल रहा है. द हाउस इज वन फायर. भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है. गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज विथ यू. दूसरों की नकल मत करो. डोंट कॉपी अदर. पेंसिल से मत लिखो. डोंट राइट द पेंसिल. आग जली रहने दो. कीप द फायर ऑन. हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए. वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स. खाना अच्छी तरह चबाओ. च्यू द फूड वेल. नाक साफ करो. ब्लो योर नोज. कोट के बटन बंद करो. बटन अप द कोट. इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो. होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स. पूरा दिन मैं राम का इंतज़ार कर रहा था. ऑल द वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर राम. मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा. आई विल कम आफ्टर ए वाइल. लगता है वो तुम्हारा कोई है. लुक एज इट समवन टू यू. लगता है हमारे अध्यापक आज यहाँ नहीं है. लुक्स एज अवर टीचर इज़ नॉट हियर टूडे. लगता है हमारी आज तबीयत ठीक नहीं है. लुक्स एज यू आर नॉट वेल टूडे. वो हमेशा की तरह मेरे पास आया. ही केम टू मी एज यूजुअल. पापा ने हमेशा की तरह उसे डांटा और वो घर से चला गया. एज यूजुअल डैड स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम. चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे. कम वोट में वी वेल नॉट डू सो. चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगा. नो मैटर वॉट विल आई विल गो देयर. भगवान जाने वो कौन है. गॉड नोज हु ही इज़. भगवान जाने वे कहाँ हैं. गॉड नोज वेयर दे आर. भगवान जाने वह किसने बनाया है. गॉड नोज हु मेड दिस. सर्दियाँ आने वाली हैं. द विंटर्स आर राउंड द कॉर्नर. गर्मियाँ आने वाली है. द समर्स आर राउंड द कॉर्नर. मैं एक आध महीने में आऊँगा. आई विल कम इन ए मंथ और सो. वो एक आध साल में लंदन जाएंगे. दे विल गो लंदन ए ईयर और सो. वो एक आध दिन में आएंगे. ही विल कम इन ए डे और सो. पापा एक आध घंटे में पहुँचने वाले हैं. डैड इज़ अबाउट टू रीच इन एन आवर हावर सो. हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है. देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री.